नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ में हूं वंदना सरोही। ब्रेकिंग की शुरुआत करेंगे रायपुर से खबर के साथ, जहां भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह मीटिंग की गई है। कई अहम प्रस्तावों को इस दौरान मीटिंग में मंजूरी मिली है। भूपेश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र से राशि नहीं मिलने पर भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाएगी, योजना का लाभ मिलेगा। ऑनलाइन सट्टा जुआ को लेकर कड़े कानून बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को इस दौरान मंजूरी मिली है। इसके साथ ही ऑनलाइन सट्टा जुआ को लेकर भी कड़े कानून बनाने की बात कही गई है। उस पर विचार विमर्श हुआ है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस दौरान चर्चा हुई, मंथन हुआ और उसके बाद कई फैसले लिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। ऑनलाइन सट्टा जुआ को लेकर भी कड़े कानून बनाने की बात कही गई है। उस पर भी आगे प्रस्ताव रखा जाएगा। गहनता से आज चर्चा हुई है इस पर। भूपेश कैबिनेट की बैठक के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कई अहम प्रस्तावों को इस दौरान मंजूरी मिली है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए हैं और कई प्रस्तावों को लेकर चर्चा भी की गई है। आने वाले दिनों में कड़े कानून ऑनलाइन सट्टा और जुए को लेकर बनाए जाएंगे, ये भी कैबिनेट में फैसला हुआ है। तो प्रदेश के विकास से जुड़े कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। आने वाले दिनों में किस तरह से सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे जनता तक लाभ पहुंचाया जाएगा, जो समस्याएं सामने आ रही हैं उन पर कैसे काम होना है, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो इस बैठक में पास हुए हैं। दीपक विश्वकर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या कुछ इस बैठक के दौरान प्रस्ताव पास हुए हैं और क्या चर्चा की गई है? ऑनलाइन सट्टा जुआ को लेकर कानून बनाने की बात हुई है। 21 बड़े फैसले लिए गए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक के भीतर उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है जो प्रदेश में ज्वलंत मुद्दे बने हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आगामी चुनाव से समझें तो उसके हिसाब से भी इस बैठक में फैसला लिया गया है। जो खाद्यान्न योजना चल रही थी राज्य सरकार की, उसको दिसंबर 2023 तक कंटिन्यू किया जाएगा। आप समझ सकते हैं, जो मुफ्त राशन दिया जा रहा था उसको 2023 तक कंटिन्यू किया जाएगा। और जिस तरीके से लगातार ऑनलाइन जुआ सट्टा तमाम लोग बर्बाद हो रहे थे, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा उदाहरण है कि महादेव ऐप को लेकर जिस तरीके से बवाल काटा जा रहा था और जिस तरीके से जो उसकी रूट्स हैं वो जिस तरीके से दुबई तक पहुंच गए, तो सरकार ने उस पर एक्ट बनाने का फैसला ले लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर केंद्र सरकार ने एक लाइन में कह दिया है कि राज्यों का कोई अधिकार नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी। और उसके इतर अगर बात की जाए, हिमाचल में सरकार बनाने से पहले घोषणा पत्र में इसका वादा किया गया था, उसको लेकर राज्य सरकार ने कह दिया अब हम इसको अपने हिसाब से लागू करेंगे। तो समझा जा सकता है कि पूरी बैठक में उन तमाम चीजों पर चर्चा की गई है जो चीजें कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को अफेक्ट कर सकती थी। वो चीजें जब जनता के बीच जाती तो आपको जवाब देना पड़ता। इसको लेकर ये ऐसे बड़े 21 फैसले लिए गए हैं। भीमा मंडावी की जांच को लेकर फैसला लिया गया है। भवनों के, जो शालाओं के भवन हैं, उनको लेकर राशि आवंटित की गई है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की गई। और रविंद्र चौबे ने बताया विस्तृत रूप से कि जो पूरी बैठक है, बैठक में चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे राजभवन में जिस तरीके से चल रही है अभी जो रार खींची हुई है, चाहे उसका मुद्दा हो, इन तमाम चीजों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। बिल्कुल दीपक, जरूरी भी है क्योंकि समय कम है अब सरकार के पास, और कई ऐसे वादे थे जो पूरे नहीं हो पाए। शराबबंदी को लेकर भी क्या कुछ चर्चा हुई है? देखिए, शराबबंदी सरकार के जो अभी का जो मौजूदा स्थिति है उसमें इसके चर्चा का कोई विषय ही नहीं बनता, क्योंकि प्रदेश में मौजूदा स्थिति अभी आरक्षण को लेकर है, आरक्षण को लेकर बवाल हो रहा है और शराब को लेकर सरकार ने कमेटी बना दी। वो कमेटी अपना काम कर रही है और छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ के कल्चर में शराब है, आप उसको इस तरीके से बंद नहीं कर सकते। आपको चार लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी, रायशुमारी करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, उसके बाद रास्ता निकाला जा सकता है। आप इसको ऐसे बंद नहीं कर सकते। को लेकर फिलहाल कैबिनेट में कोई ऐसी चर्चा नहीं है। जो 21 फैसले लिए गए हैं वो जनता से जुड़े हुए फैसले हैं और उसके इतर अगर बात की जाए, उन फैसलों पर ये चर्चा की गई है कि आगामी चुनाव को किस तरीके से साधा जाए, उन तमाम चीजों को लेकर लकीर आज खींची गई है इस बैठक में।
दीपक, जैसे कि आपने जिक्र किया आरक्षण को लेकर इस वक्त चर्चा है, तो क्या प्रस्ताव इसमें पास हुआ है, क्या चर्चा हुई है? देखिए, आरक्षण को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक लाइन में बोल चुके हैं कि अगर आपको हस्ताक्षर नहीं करने तो आप लौटा दीजिए, कमी है तो लौटा दीजिए, लेकिन इस तरीके से अपने पास होल्ड करके मत रखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सीधा सीधा काम किया जा रहा है, तो उस पर आगे क्या रणनीति होगी इसको लेकर फैसला लिया गया है। भीमा मंडावी के मामले में फैसला लिया गया है, उसके साथ साथ अगर बात की जाए शालाओं के पुनर्निर्माण को लेकर फैसला लिया गया है, उसके अगर इतर बात की जाए शाला भवनों की मरम्मत के लिए 780 करोड़ रुपए की बात की गई है देने की, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिस तरीके राशन कार्डधारियों को 63 लाख के आसपास जो राशन कार्डधारी हैं वो लाभान्वित होंगे और दिसंबर 2023 तक खाद्यान्न दिया जाएगा, उसकी इतर अगर बात की जाए भीमा मंडावी की जुडिशियल इंक्वायरी किए जाने की मंजूरी दे दी गई है जिसको पटल पर रखा जाएगा इस बार। इसकी इतर अगर बात की जाए मिलेट्स मिशन के तहत मिलेट्स के उपयोग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाने के लिए चर्चा की गई है। तो देखिए, भीमा मंडावी की मौत हुई थी, नक्सली हमला था, उसकी जो रिपोर्ट है जुडिशियल इंक्वायरी की उसको पटल पर रखने की बात हो गई है, तो समझा जा सकता है उन तमाम चीजों के ऊपर चर्चा की गई है जो लंबे समय से लंबित थे, जिसको लेकर चर्चा जब की जा रही थी तो जिस तरीके से विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रहा था उसको लेकर सरकार ने अब जो मौजूदा जो कैबिनेट बैठक थी उसमें इस साल के अंत की जो आखिरी कैबिनेट बैठक थी इसको लेकर उन तमाम चीजों के ऊपर अमलीजामा पहनाया गया कि आगे जब चुनाव में जाया जाएगा तो किस तरीके से अपनी बात जनता के सामने रखेंगे। बिल्कुल दीपक, एक तो विपक्ष के सवालों का जवाब, दूसरा आपने बताया कि चुनाव को लेकर भी एक रणनीति मानी जा रही है जो प्रस्ताव आज पास हुए हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे त्वरित प्रस्ताव हैं जिनका इम्पैक्ट जनता पर पड़ेगा? देखिए, खाद्यान्न आवंटन सबसे बड़ा मुद्दा है, मुफ्त में राशन देना, मुफ्त में चावल दिया जाएगा और 23 दिसंबर सरकार का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बीता जो 17 सितंबर है, सरकार को 4 साल पूरे हो गए, तो सरकार रिपीट होती है तो सरकार कहीं ना कहीं उसको अपनी पीठ थपथपाने के रूप में और जनता को सीधे लाभ देने के रूप में, क्योंकि मुफ्त राशन एक ऐसी चीज है कि जनता के बीच जाके आप उनको बता सकते हैं कि हम आपको राशन देने की योजना बना रहे हैं। शालाओं की मरम्मत के लिए 780 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। भीमा मंडावी आदिवासी विधायक थे, आदिवासी बहुल राज्य से आते हैं और आदिवासी आरक्षण को लेकर जिस तरीके से बवाल कट रहा है, उस बीच उसकी जुडिशियल इंक्वायरी की बात करना और पटल पर रखने की बात हो रही है, वो अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। इसके इतर अगर बात की जाए ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जिस तरीके से जब असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में सवाल पूछा था तो केंद्रीय मंत्री ने एक लाइन में कह दिया था राज्यों को पैसा देने का कोई अधिकार नहीं है, सरकार ने कहा हम अपने राज्य स्तर पर इसको करेंगे और पैसे को देंगे। तो आप समझिए कि जितने भी ये बिंदुवार तरीके से जो चर्चा की गई है, जो बात की गई है, इसमें एक चीज स्पष्ट कर दी है सरकार ने कि चाहे केंद्र हमको सहयोग करे चाहे ना करे, हमने जो योजना बनाई है उन योजनाओं पर हम अमलीजामा पहनाएंगे, उन योजनाओं को हम जरूर पूरा करेंगे। बिल्कुल, यानी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो वादे हमने किए थे हर हाल में वो पूरे होंगे, भले केंद्र मदद करे ना करे। देखो, क्योंकि 4 साल सरकार को पूरे हो गए हैं, ठीक है, ये भी बताइए कि 4 साल में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो विपक्ष की ओर से उठाए गए जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, क्या उन पर भी मंथन हुआ है? देखिए, विपक्ष का काम है सरकार की घेराबंदी करना, विपक्ष का काम है सरकार के खिलाफ बात करना। प्रधानमंत्री आवास को लेकर विपक्ष एक बड़ा आंदोलन जनवरी में करने की तैयारी है, वो भी दुर्ग में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र पाटन, जो दुर्ग संभाग में आता है, वहां पर एक प्रधानमंत्री आवास को लेकर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में, रोजगार को लेकर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में, ऐसे तमाम मुद्दे, शराबबंदी का आपने जिक्र किया था, विपक्ष लगातार शराबबंदी की बात कर रहा है, सुरक्षा की लगातार बात की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो रेप की घटनाएं हो, चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, ऑनलाइन सट्टे को लेकर जिस तरीके से जिक्र किया गया, दुर्ग से पूरा नेटवर्क चल रहा है जिसमें महादेव ऐप के नाम से जिसके जो सरगना है वो दुबई में बैठे हुए जो यहां से पूरा चला रहे हैं और रोज कोई ना कोई कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर सरकार ने एक्ट बनाने की बात कर दी है। तो समझा जा सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं बिंदुवार तरीके से, क्योंकि 21 ऐसे बिंदु हैं जिस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई,
है और उस 21 बिंदुओं के भीतर विस्तृत रूप से चर्चा करने के बाद किस किस पर क्या निर्णय लिया जाना है, किस किस पर क्या निर्णय लिया जाएगा, इनको लेकर एक लाइन खींची गई है। उस लाइन खींचने के बाद चाहे एक्ट की बात हो जाए, चाहे मुफ्त राशन देने की बात हो जाए, चाहे ओपीएस स्कीम की बात हो जाए, चाहे भीमा मंडावी की जुडिशियल इंक्वायरी की बात हो जाए, चाहे शाला भवनों के लिए पैसा आवंटित करने की बात हो जाए, इसके साथ अगर बात की जाए तो शालाओं के साथ मिलेट्स को देने की बात हो कि ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग किया जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार भी उसको बढ़ावा दे रही है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल दीपक सरकार संजीदा है, ये भी बताने की कोशिश की गई है जो नीतियां हैं सरकार की और जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करने की बात यहां पर